सवाल नंबर एक, अल्लाह के हुक्म से जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? आपके ऑप्शन है ये, ए जिन्नात, बी कुर्बानी के जानवर, सी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जन्नत में सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। सवाल नंबर दो, नबियों में कौन से नबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत मूसा अलैहि सलाम, बी हजरत ईसा अलैहि सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, डी हजरत याकूब अलैहि सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नबियों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल नंबर तीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ये, ए इसराइल, बी इसराइल, सी इस्माइल, डी कलीमुल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था। सवाल नंबर चार, सबसे पहले तांबे का कारोबार कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सबसे पहले तांबे का कारोबार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर पाँच, खाना काबा की ऊंचाई कितने मीटर है? आपके ऑप्शन है ये, ए 15 मीटर, बी 20 मीटर, सी 25 मीटर, डी 27 मीटर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है। सवाल नंबर छः, भारत में इस्लामी हुकूमत सबसे पहले किसने कायम की थी? आपके ऑप्शन है ये, ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन कासिम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। भारत में सबसे पहले इस्लामी हुकूमत मोहम्मद बिन कासिम ने कायम की थी। सवाल नंबर सात, काबिल ने हाबिल को किस चीज़ से कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए कुल्हाड़ी से, बी बंदूक से, सी तलवार से, डी पत्थर से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, काबिल ने हाबिल को पत्थर मार मार के कत्ल किया था। सवाल नंबर आठ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के चार बेटे थे। सवाल नंबर नौ, कुरान शरीफ में कितनी सब्जियों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान शरीफ में चार सब्जियों के नाम आए हैं। सवाल नंबर दस, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? आपके ऑप्शन है ये, ए खजूर, बी केला, सी अनार, डी
बेर, आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया था। सवाल नंबर 11। दज्जाल किस चीज का बना होगा? आपके ऑप्शन है ये, ए आग का, बी पानी का, सी लोहे का, डी मिट्टी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दज्जाल मिट्टी का बना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि दज्जाल आग से बना होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दज्जाल मिट्टी का बना होगा। सवाल नंबर 12। जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल नंबर 13। प्यारे नबी को खाने में क्या चीज पसंद नहीं थी? आपके ऑप्शन है ये, ए गोभी, बी पालक, सी कच्ची प्याज, डी कद्दू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। प्यारे नबी को खाने में कच्ची प्याज पसंद नहीं थी। सवाल नंबर 14। जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जंगे बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ 3 झंडे थे। सवाल नंबर 15। 2050 में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है ये, ए ईसाई, बी हिंदू, सी यहूदी, डी इस्लाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। 2050 में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम होगा, यानी 2050 में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप इन दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को